हेलो गाइस, मैं प्रदीप सैनी पूछता नहीं है भारत चैनल की ओर से। अभी एक बहुत ही बड़ी खबर सुर्खियों में बनी हुई है कि जीतू चौधरी जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है, हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या किया उन्होंने जिसकी वजह से कि उन्हें पुलिस ने अरेस्ट करना पड़ा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जय जैक्सन और चीनी आलिया, आइए हम उनसे पूछते हैं ऐसा क्या किया कि उन्हें आपको उन्होंने अरेस्ट पुलिस को अरेस्ट करना पड़ा उनको। ऐसा क्या किया है? Yeah. मतलब न्यूज में हर जगह ये बात फैली हुई है, लोग वीडियोस में देख रहे हैं, हर चीज वायरल हो रही है, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं उन्होंने ऐसा क्या किया। अरे भाई, एक लड़की को छेड़ा है, छेड़ना मतलब समझते हैं आप क्या होता है? समझ सकते हैं ना? हाँ, तो ये बात जान लीजिए, उसने एक लड़की को छेड़ा है, खुलेआम मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश की, वो भी CW ग्रेट ब्रेकडाउन शो पे। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ ना, ऐसे लड़कों को ना सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और इसके लिए मैंने हमारे दो होनहार पुलिस ऑफिसर्स को रखा है साथ में, जो कि है एक खुबीराम और जो दूसरे हैं वो है पांडे जी। और मैंने उनको सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता है ऐसे लड़कों को सबसे अच्छी पनिशमेंट जो कहते हैं ना, वो सिर्फ ये दोनों पुलिस वाले ही दे सकते। जी बिल्कुल। चलो आइए हम आप खुबीराम से पूछते हैं, उनका क्या कहना है इसके बारे में, बताइए खुबीराम। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो ये जीतू चौधरी था, ये बहुत ही ज़्यादा होशियार और ये ऐसा शख्सियत था, इसको हमारी टीम बहुत मकसद के बाद इसको पकड़ी है, और पकड़ने के बाद जो हमारे थाने में आए हैं हमको शिकायत मिली, पहले तो हमें विश्वास ही नहीं होता था, लेकिन कैसे भी करके उसको पकड़ा गया, लेकिन उसकी सेवा यहाँ पे जारी है। और अब जैसे कि दिव्या मैम ने बताया कि उनके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जो है हमारी टीम उनकी पूरी मदद कर रही है अच्छी तरह से, और जितने भी हमारे देश की महिलाएं हैं उनके साथ कुछ भी होता है तो आगे आइए, डरिए नहीं, पुलिस हमेशा आपके साथ ही खड़ी हुई है। जी पांडे जी, कुछ बताइए आप। हम 24 घंटे हिंदुस्तान की नारियों के साथ हैं, हमारी पुलिस उनकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर है। जी, अब चलो हम पूछते हैं चीनी आला से कि वो आखिर में आप क्या संदेश देना चाहती है पब्लिक को, आप बताना कुछ कहना चाहिए। पब्लिक से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ऐसे चीज़ों पे, खासकर जो ऐसे टाइप के लड़के होते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं, लड़कियों को धोखा देते हैं और लड़कियों को परेशान करते हैं, ठीक है, लड़कियों को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपना मुंह बंद करके ना रखें, जाइए जाके पुलिस में रिपोर्ट करिए, अपनी इस अत्याचार जो आप पे अत्याचार हो रहा है ना उसके लिए आवाज़ उठाइए। बस मेरा लड़कियों के लिए यही मैसेज है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पांडे जी और जो खूबी सर है वो दोनों मिल के जीतू चौधरी की बहुत अच्छी क्लास लगा रहे हैं। आई एम हैप्पी फॉर दैट। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अभी जैसा अचिन न्यायालय ने बताया कि पुलिस वालों ने उनकी बहुत मदद की है, खूबीराम और पांडे जी ने, अभी हम आगे रिपोर्टिंग करते रहेंगे, आप देखते रहिए पूछता नहीं है भारत।